In this session, we are going to talk about the character sketch of Sir Samson Lesson, which is a very popular character of Love for Love. Sir Samson Lesson is one of the major characters of the play. Sir Samson Lesson जो है play के major characters में से एक है. Major का मतलब मुख्य होता है, प्रमुख. He is the dictatorial father of both Valentine and Ben. और हम सभी जानते हैं कि उस character में उसके दो बेटे होते हैं, Valentine और Ben. एक तरह से यहाँ पर ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया, डिक्टेटरियल फादर क्यों कहा गया. डिक्टेटर का मतलब तानाशाह होता है, तो डिक्टेटरियल मीन्स हो गया तानाशाही, मतलब जो कह सकते हैं कि अपनी मर्जी चलाता है अपने बेटों पर. और आपने देखा ही होगा प्ले के दरमियान, यदि आपने प्लॉट पढ़ा है या फिर आपने समरी देखा है तो आपको पता होगा. ही स्पेंड्स मच ऑफ हिज टाइम इन ग्रैबिंग द इनहेरिटेंस ऑफ वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन का जो इनहेरिटेंस है, जो हिस्सा है, वो ग्रैब करने में यानी हड़पने में वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं या अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं. यानी उसे वैलेंटाइन के वेल्थ में या इनहेरिटेंस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है. इट सीम्स क्वाइट अनयूजुअल बिकॉज वी सेल्डम मीट सच कैरेक्टर्स. और रियल लाइफ में हम ऐसे कैरेक्टर से शायद ही मिलते हैं जो कि एक ऐसे पिता से जो अपने ही बेटे की ज़मीन या जायदाद को हड़पना चाहे. एज द प्लॉट मूव्स ऑन, जैसे ही हम प्लॉट में आगे बढ़ते हैं, वी कम टू नो दैट, हमें पता चलता है कि ही इज़ लॉयल टू नीदर ऑफ हिज सन्स, वो अपने किसी भी बेटों से लॉयल नहीं है, यानी ऑनेस्ट नहीं है. द ओनली थिंग विच ही वैल्यू, मतलब एकमात्र चीज जिसको वो वैल्यू करते हैं, जिसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं, इज हिज ऑन प्लेजर, मतलब वो खुद की खुशी है उसकी जिसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. उनके लिए उनके बेटे या कोई और मायने नहीं रखता है. दिस इज़ द रीज़न दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज द एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले. और यही कारण है कि उसे इस प्ले का एंटेगनिस्ट भी माना जाता है. एंटेगनिस्ट बोले तो विलन, गुंडा जो कही. ही हैज़ मैनी निगेटिव ट्रेट्स, उसके बहुत सारे नकारात्मक गुण हैं विच इस्टेब्लिश हिम एज द विलन ऑफ द प्लॉट, जो कि उन्हें प्लॉट के विलन के तौर पर सामने लाते हैं. ही इज़ अ नॉबल मैन, वो एक नॉबल मैन है, राजशाही आदमी है. यहाँ पर नॉबल मैन में MAN होना चाहिए. बट ही हैज़ नो नॉबल क्वालिटीज़, लेकिन उनमें ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है जो उसे नॉबल मैन के तौर पर दिखाए. ही ट्रीट्स everyone लाइक अ पार्ट ऑफ हिज गेम, वो हर किसी को अपने गेम का एक हिस्सा मानता है. ही गिव्स प्रायोरिटी टू हिज फिजिकल प्लेजर्स, वो अपने शारीरिक सुखों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है. इट बिकम्स क्लियरर, और ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है when he gets convinced by Angelica's proposal. जब वो एंजेलिका के प्रपोजल से कन्विंस हो जाते हैं तो ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि उसके लिए कोई और चीज़ मायने नहीं रखती सिवाय उसके फिजिकल प्लेजर के. ही इज़ रेडी टू डिस इनहेरिट इवन हीज यंगर सन बेन, वो अपने छोटे बेटे बेन को भी डिस इनहेरिट करने के लिए तैयार है, यानी बेदखल करने के लिए तैयार है. हुम ही लव बिफोर, जिसे वो पहले प्यार करता था. ही इज जस्ट अ लस्टफुल एंड सेल्फिश कैरेक्टर, वो बस एक हवशी भेड़िया है, स्वार्थी है. Who can do anything to fulfill his desires? जो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है. We see him commenting on others. Play के दौरान वो दूसरों पर comment करता हुआ नजर आता है. While making no improvements in himself. और at the same time वो अपने आप में कोई सुधार नहीं करता, अपने आप में कोई changes नहीं लाता, बदलाव नहीं लाता. Overall यदि हम conclude करें तो his character fits well to a bad father. वो एक बुरा पिता है, यानी वो एक responsible father नहीं है. Who just pretends to love his son, जो अपने बेटों को बस प्यार करने का दिखावा करता है, ढोंग करता है. He is, यहाँ पर also हो जाएगा. He is also immoral as he goes against the laws of society. वह immoral भी है, अनैतिक है, यानी गलत है बहुत जगहों पर, यानी सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट है. The author has used his character to make the plot interesting and complicated as well. उन्होंने इस कैरेक्टर का यूज़ किया है प्लॉट को इंटरेस्टिंग यानी रोचक और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा जटिल बनाने के लिए. इट ऑल्सो सजेस्ट द सोशल स्टेटस ऑफ द रिस्टोरेशन इंग्लैंड, या रिस्टोरेशन इंग्लैंड के सोशल स्टेटस यानी सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है या दिखाता है. तो ये कुछ है इस कैरेक्टर के बारे में. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.